नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शिवालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वाटर इरोजन के बारे में, टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन के बारे में पढ़ा था और हर एक को एक्सप्लेन किया था डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे जो वाटर इरोजन होता है उसके कौन कौन से फैक्टर्स होता है जो अफेक्ट करता है, साथ में ये देखेंगे जो वाटर इरोजन है उसका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है और साथ में जो यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन होता है वो क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर इरोजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर इरोजन को पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर इरोजन, यानी जो सोयल का इरोजन होता है वाटर की वजह से, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। देखो, उसको याद करने का तरीका बता देता हूँ शॉर्ट में। EW मतलब कि इरोजन ड्यू टू वाटर, EW का मतलब होता है इरोजन ड्यू टू वाटर, इक्वल टू F मीन्स फंक्शन। ये फंक्शन है, कौन कौन से फैक्टर्स है उसका एक फंक्शन है, उसमें फंक्शन है पहला C है, फिर T है, फिर V है और फिर S है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको इसी तरह से याद रखो, CTVS याद रखो। कैसे रखो, CTVS, जो TVS बाइक आती थी उस टाइप से याद रखो, CTVS है वो फैक्टर किसका है, वो वाटर इरोजन के फैक्टर्स हैं। हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं क्लाइमेट के बारे में, कौन सा देखते हैं क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट कैसे अफेक्ट कर सकता है। क्लाइमेट की जब भी बारी आती है तो इसका मतलब होता है कि रेनफॉल अफेक्ट करता है, कौन सा करता है इसके अंदर, रेनफॉल अफेक्ट करता है। क्लाइमेट की बारी आती है तो क्लाइमेट में जो मुख्य जो कंपोनेंट है वो है रेनफॉल है, कौन सा है, रेनफॉल है। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट की, तो इसके अंदर जो रेनफॉल है वो मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन क्लाइमेट, कौन सा फैक्टर है, रेनफॉल जो है वो मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर है इन वाटर इरोजन और स्पेशली इन क्लाइमेटिक जो अंदर के अंदर होता है। हम देखते हैं कि जो रेनफॉल है कितना रेनफॉल एक दिन के अंदर होता है कि जो वाटर इरोजन करता है, तो पर डे की अगर बात करें तो लगभग 50 mm से ज़्यादा, यानी प्रति आर अगर एक घंटे की अगर बारी करें बात करें तो एक घंटे के अंदर अगर 50 mm से ज़्यादा बारिश है या फिर 5 cm से ज़्यादा बारिश है तो उस केस में क्या होगा, सीवियर वाटर इरोजन होगा। क्या होगा, सीवियर वाटर इरोजन होगा। यानी इफ़ द रेनफॉल इंटेंसिटी इज मोर देन, रेनफॉल की बारी करें, अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी की बात करें यानी सघनता की बात करें, तो इफ़ रेनफॉल इंटेंसिटी इज़ मोर देन 5 cm या फिर ये कह सकते हैं कि मोर देन 50 mm, क्योंकि 1 cm में कितना जो मिलीमीटर होता है, यानी 1 cm के अंतर्गत जो है कितना होता है, 10 mm होता है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 50 mm। यानी जब एक घंटे के अंदर इफ़ द रेनफॉल इंटेंसिटी इज मोर देन 5 cm पर आर, तो उस केस में क्या होगा, सीवियर वाटर इरोजन होगा। क्या होगा, सीवियर वाटर इरोजन होगा। यानी सीवियर वाटर इरोजन किस केस में होता है, जब रेनफॉल इंटेंसिटी पॉइंट मतलब पॉइंट यानी ये कह सकते हैं कि 50 mm या 50 या फिर 5 cm प्रति घंटे से ज़्यादा अगर बारिश होती है एक घंटे के अंदर, तो उसमें क्या होता है, सीवियर वाटर इरोजन होता है। क्या होता है, सीवियर वाटर इरोजन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो क्लाइमेट के अंतर्गत जो मेजोरिटी ऑफ रेनड्रॉप है, रेनड्रॉप की जो साइज़ क्या होती है, जो रेनड्रॉप की अगर बात करें तो रेनड्रॉप की नॉर्मल साइज़ होती है वो होती है 1 to 4 mm, कितना होता है, 1 to 4 mm इन जनरल, लेकिन ये 7 mm तक भी हो सकता है। तो इन जनरल की अगर बात करें तो 1 to 4 mm होता है, उस केस में मैक्सिमम जो है इसकी कितनी होती है, मैक्सिमम जो है बाई या अप टू 7 mm, मैक्सिमम 7 mm इसकी रेनड्रॉप है उसकी साइज होती है, या इसकी बोलेंगे इसकी डायमीटर है वो कितना होता है, 1 to 4 mm होता है। जब ये रेनफॉल है वो 5 cm प्रति घंटे से ज़्यादा बारिश होती है तो उस केस में क्या होता है, सीवियर वाटर इरोजन होता है। क्या होता है, सीवियर वाटर इरोजन होता है। जितना बारिश होती है, अगर मान लो एक हेक्टर के अंतर्गत, अगर एक हेक्टर में इफ रेनफॉल अकर्स मोर देन, या ये कह सकते हैं 5 mm पर आर पर हेक्टर, यानी एक हेक्टर के अंतर्गत एक घंटे में अगर 5 mm बारिश होती है तो उस वो किसके बराबर है, यानी द रेनफॉल इफ किस गति से होती है, इफ रेनफॉल इज 5 mm पर आर पर हेक्टर होती है तो इक्वल टू 625 hp के बराबर, कितना, 625 hp के बराबर होती है, यानी हॉर्स पावर जो है 625 होती है उसके बराबर होती है रेनफॉल। यानी कि जो इसकी एनर्जी कितनी होती है, अगर यानी एक हेक्टर के अंदर एक घंटे के अंदर अगर 5 mm बारिश होती है तो उसकी एनर्जी होती है वो होती है 625 hp, इतनी एनर्जी जो है लगती है। इसकी एनर्जी के लगभग जो 2/3 है वो सोयल के पोर्स है उसको सीलिंग करने में यूज़ होता है, यानी 2/3 ऑफ दी एनर्जी यूज फॉर सीलिंग द पोर्स ऑफ सोइल, इसकी जो 2/3 एनर्जी है
यानी ये कह सकते हैं टू थर्ड का मतलब होता है 66 एंड टू थर्ड, या फिर ये लिख सकते हैं 66% जो एनर्जी है यूज्ड इन सीलिंग सोइल पोर्स, सोइल की पोर्स हैं उसको सील करने के अंदर जो है टू थर्ड एनर्जी लगभग यूज होती है इन सीलिंग द सोइल पोर्स, यानी 66% एनर्जी है वो कहाँ यूज होती है, वो सोइल पोर्स में यूज होती है। तो यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो रेनफॉल इंटेंसिटी होती है और जो इरोजन है उसका जो ग्राफ बनता है रिलेशनशिप कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की इंटेंसिटी या रेनफॉल जो है और रेनफॉल की इंटेंसिटी का किससे ग्राफ बनेगा, विद रेनफॉल इंटेंसिटी विद इरोजन, किस तरह से ग्राफ बनता है, इसमें जो ग्राफ बनता है वो बनता है एक्स जो है एक्सपोनेंशियल, कैसा बनता है एक्सपोनेंशियल बनता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में नेट 2021 के अंदर आ चुका है ऑलरेडी कि नेट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द रेनफॉल इंटेंसिटी एंड इरोजन इज, चार ऑप्शन में थे, एक था लीनियर, दूसरा था कर्वी लीनियर, थर्द था एक्सपोनेंशियल, फोर्थ था नन ऑफ द अबव, तो आपको सही करना था एक्सपोनेंशियल, कौन सा करना था एक्सपोनेंशियल, यानी रेनफॉल इंटेंसिटी का इरोजन के साथ जो ग्राफ बनता है वो उसका रिलेशनशिप है वो कैसा होता है, वो एक्सपोनेंशियल होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर रेनफॉल इंटेंसिटी है, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है तो क्या इरोजन नहीं होता है, उस केस में क्या होगा, इरोजन कब होता है, जब रेनफॉल की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है और लंबे समय के लिए बारिश होती है उस केस में इरोजन होता है, यानी इरोजन कब होगा, हाई इंटेंसिटी फॉर लॉन्गर टाइम, अगर लॉन्गर टाइम बारिश होती है और हाई इंटेंसिटी होती है तो उस केस में क्या होगा, उसी तरह से बात करें हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर शॉर्ट टाइम, उसी तरह से अगर बात करें लो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर लॉन्ग टाइम, तो दोनों ही केस के अंदर क्या होता है, इरोजन नहीं होता है, यानी अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है लेकिन कम समय के लिए है उस केस में क्या होता है, इरोजन नहीं होता है, नो इरोजन, उस केस में क्या होता है, नो इरोजन, या फिर अगर इंटेंसिटी कम है और लॉन्ग टाइम के लिए उस केस में के अंदर भी इरोजन नहीं होता है, वहीं अगर बात करें हाई इंटेंसिटी है और लॉन्गर टाइम के लिए उस केस में क्या होगा, उस केस में इरोजन होगा, क्या होगा, इरोजन होगा, उस केस में इरोजन होता है। तो ये थे तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इरोजन किस केस में होता है, रेनफॉल क्या इंटेंसिटी होती है तब जो है इरोजन होता है। तो पहला जो फैक्टर है वो एक क्लाइमेटिक फैक्टर हमारा यहीं समाप्त होता है, दूसरा फैक्टर है वो एक टोपोग्राफी फैक्टर, कौन सा है, सेकेंड फैक्टर इज द टोपोग्राफी फैक्टर। देखो टोपोग्राफी फैक्टर भी क्या होता है, इसमें स्पेशली जो स्लोप आता है, क्या आता है, स्लोप आता है, अगर लैंड का स्लोप को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो वेलोसिटी है फ्लो की, या फ्लो की जो रफ्तार है, यानी जो वाटर का फ्लो है या वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो डबल हो जाएगा, लेकिन जो इरोजिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल है या सोइल में कितना लॉसेज होगा वो भी लगभग 4 गुना हो जाता है, कितना होता है 4 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी इफ द लैंड स्लोप इज इंक्रीज 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वाटर इज डबल, इरोजिंग और जो कटिंग कैपेसिटी है वो भी 4 गुना बढ़ती है, कितने गुना बढ़ती है 4 गुना बढ़ जाती है, यानी कि इफ अगर मान लो स्लोप है वो इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, कितनी गुना बढ़ाता है इसको, अगर इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, अगर स्लोप को 4 गुना हम बढ़ाते हैं, इफ़ द स्लोप इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स तो क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो कितना गुना बढ़ जाती है, वेलोसिटी ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ फ्लो या फ्लो की वेलोसिटी है वो बढ़ती है 2 गुना, कितना गुना बढ़ती है 2 टाइम्स, या ये कह सकते हैं डबल्स हो जाती है, क्या कहेंगे इसको, 2 टाइम्स मतलब डबल हो जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं इरोजिंग कैपेसिटी की या कटिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल वो कितनी हो जाएगी, सोइल की जो कटिंग कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी 4 टाइम्स, कितना टाइम्स, यानी जितना गुना आप लोग स्लोप को बढ़ाएंगे, यानी जितना हम स्लोप को बढ़ाएंगे उतना ही सोइल का इरोजन होगा, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ द वाटर है वो डबल होती है, यानी जस्ट इसकी आधी होती है ना, ये हो गया टोपोग्राफी। दूसरा जो टोपोग्राफी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोइल किस टाइप की हो, यानी कि अगर मान लो कॉनवेक्स है या कॉनकेव है, सोइल का जो सरफेस है वो कैसा है, कॉनकेव का मतलब होता है कि कप शेप, यानी कि उसमें गड्ढा होता है,
कॉनवेक्स होता है डोम शेप, जब डोम शेप होगा तो उसमें क्या होगा, इरोजन ज़्यादा होगा। क्यों होता है, क्योंकि जब वाटर जाएगा तो ढलान होता है, तो ढलान में क्या होगा, फ्लो की जो वेलोसिटी है फास्ट होगी, उससे क्या होगा, इरोजन ज़्यादा होता है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होता है, कप शेप होता है, और कप शेप में क्या होता है कि वाटर का जो वेलोसिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी वेलोसिटी कम होगी, उससे क्या होगा, इरोजन भी कम होता है। तो शेप के आधार पर देखें, अगर कॉनवेक्स है, कॉनवेक्स का मतलब होता है कि डोम सेफ है, डोम सेफ है, उस केस में क्या होगा। और दूसरा है कॉनकेव है, अगर मान लो सरफेस सोयल का सरफेस है या टॉपोग्राफी है, कॉनकेव है, या ये कहेंगे कि जो कप सेफ्ड है, उस केस में क्या होगा, जो डोम सेफ में क्या होगा, हायर इरोजन होगा, हायर इरोजन। वहीं अगर बात करें कप शेप में, इसमें क्या होगा, लोअर इरोजन, क्या हो जाएगा इसमें, लोअर इरोजन होगा, इसमें क्या होगा, लोअर इरोजन होगा। और वहीं अगर कॉनवेक्स की बात करें, इसमें क्या होगा, हायर इरोजन होगा। ये हो गया सरफेस के बारे में, टॉपोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टॉपोग्राफी होती है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो थर्ड है वो सी टी वी एस, पहला हो गया क्लाइमेट, दूसरा हो गया टॉपोग्राफी, थर्ड हो गया वेजिटेशन। थर्ड फैक्टर कौन सा है, वेजिटेशन है, यानी वेजिटेशन होने से वाटर का इरोजन कितना होगा, वेजिटेशन, वेजिटेशन की बात करते हैं, जितना ज़्यादा वेजिटेशन होगा उतना ही क्या होगा, रन ऑफ कम होगा और उतना इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा उतना ही क्या होगा, जो इरोजन कम होगा। यानी ऑन एन एवरेज हमें इन्फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए मिनिमम जो है 7 क्विंटल पर हेक्टर रेजिड्यू की जरूरत पड़ती है, कितनी पड़ती है, यह 7 क्विंटल पर हेक्टर रेजिड्यू की आवश्यकता होती है, किसके लिए, टू इंक्रीज दी इन्फिल्ट्रेशन रेट, इन्फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए हमें कम से कम जो है 7 क्विंटल पर हेक्टर रेजिड्यू की आवश्यकता होती है। और मैक्सिमम कितना होता है, इफेक्टिव कितना होता है, अप टू 25, यानी 25 के बाद ये इफेक्टिव नहीं होता है, जितना इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ना होता है उतना बढ़ चुका होता है, ये मैक्सिमम लिमिट है वो 25 है। मिनिमम जो है, यानी मिनिमम जो है वो 7 क्विंटल और मैक्सिमम है वो है 2.5 टन या फिर 25 क्विंटल पर हेक्टर है। वो रेजिड्यू किसके लिए यूज़ होता है, वो इन्फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए होता है। दूसरा इसमें कॉमन रिलेशनशिप देखते हैं कि जो सोयल का इरोजन होता है, सोयल का इरोजन होगा वो प्रोपोर्शनल किससे होगा, रन ऑफ से होगा, यानी कि जितना ज़्यादा रन ऑफ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सोयल का इरोजन होगा। उसी तरह से अगर बात करें सोयल का इरोजन का इन्फिल्ट्रेशन के साथ देखते हैं, तो सोयल जो सोयल इरोजन इज प्रोपोर्शनल टू 1/ इन्फिल्ट्रेशन रेट, यानी जितना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा उतना ही कम का सोयल का इरोजन होगा। यानी सोयल के इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इरोजन कम होता है। क्यों होता है, कि इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तो रन ऑफ क्या होगा, कम होगा, और रन ऑफ कम होगा उससे क्या होगा, सोयल इरोजन कम होता है। ये है वेजिटेशन फैक्टर, कौन सा है, वेजिटेशन फैक्टर। वेजिटेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट जो रेनफॉल है वो सोयल के अंदर, सोयल पे नहीं आके कि प्लांट के थ्रू स्टेम के थ्रू आता है। एक होता है स्टेम फ्लो, दूसरा होता है थ्रू फॉल, स्टेम फॉल होता है, और एक होता है थ्रू फॉल या थोरो फॉल। थोरो फॉल का मतलब क्या होता है, कि जहाँ वेजिटेशन नहीं होता, ये होता है बेयर लैंड में होता है, यानी डायरेक्टली जो रेन ड्रॉप है सोयल पे आती है, यानी कि डायरेक्ट जो रेन ड्रॉप है वो कहाँ आती है, टू सोइल सरफेस, और ये कहाँ पे होता है, बेयर लैंड या अनकल्टीवेटेड सोइल पे होता है। कहाँ पे होता है, बेयर लैंड या बेयर सोइल या फिर अनक्रॉप्ड लैंड, जहाँ पे क्रॉप नहीं है, अनक्रॉप्ड सोइल के अंतर्गत जो है वो थ्रू फॉल होता है। या थ्रू फॉल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि थ्रू फॉल क्या होता है, थ्रू फॉल का मतलब होता है जो रेनफॉल जो डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट सोइल सर्फेस पर गिरता है, उसको बोलते हैं थ्रू फॉल। जो स्टेम फॉल होता है उसमें क्या होता है, जो रेनफॉल होता है वो प्लांट के लीव्स पे आता है, लीव्स के बाद स्टेम के थ्रू जो सोइल पे आता है उसको बोलते हैं स्टेम फॉल। ये क्या होता है कि रेनफॉल, जो रेनफॉल होता है सबसे पहले कहाँ आता है, लीव्स पे जाता है, और लीव्स के बाद जाता है स्टेम पे, और स्टेम के द्वारा जो है ये जाता है सोइल सरफेस पे, यानी सोइल पे जाता है, इसको बोलते हैं स्टेम फॉल। मेज, अगर मेज की बात करें तो मेज क्रॉप होने से लगभग जो है स्टेम फॉल कितना हो जाता है, 49%। यानी मेज क्रॉप किसी की भी फील्ड के अंदर मेज है तो जो रेन टोटल रेनफॉल का लगभग 50% जो है वो किसके थ्रू जो सोइल पे जाता है, वो स्टेम फॉल के थ्रू जाता है। यानी कि मेज का स्टेम फॉल कितना होता है, मेज का लगभग जो है 50% होता है, अराउंड
49% जो है वाटर है, इसको 50% बोल सकते हैं थ्रू स्टेम फॉल, थ्रू स्टेम फॉल, स्टेम फॉल के द्वारा ये सोइल पे जाता है। तो ये हो गया स्टेम फॉल क्या होता है, थ्रू फॉल क्या होता है, उसके अलावा सोइल इरोजन जो है उसका रिलेशनशिप विद रन ऑफ क्या हो गया, या सोइल का जो इरोजन का इन्फिल्ट्रेशन के साथ क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है कि इन्फिल्ट्रेशन के साथ जो है इरोजन के क्या रिलेशनशिप होता है, उस जो लाइन बनती है वो होती है कर्वी लीनियर। कौन सी लाइन होती है, कर्वी लीनियर होती है इरोजन विद इन्फिल्ट्रेशन, इसका जो रिलेशनशिप बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है कर्वी लीनियर बनता है। कैसा बनता है, कर्वी लीनियर बनता है, कर्वी कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बनता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द सोइल इरोजन एंड इन्फिल्ट्रेशन इज कर्वी लीनियर, कैसा होता है, कर्वी लीनियर होता है। चौथा और लास्ट जो फैक्टर है वो है सोइल फैक्टर। कौन सा है, सोइल फैक्टर, सोइल फैक्टर में क्या होता है कि सोइल के द्वारा जो इरोजन कैसे अफेक्ट होता है, इसमें दो चीज़ होती है, एक होती है इरोजिविटी, दूसरा होता है इरोडिबिलिटी। दोनों की डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, इरोजिविटी क्या होती है और दूसरा है इरोडिबिलिटी, इरोडिबिलिटी। जब नेक्स्ट पढ़ेंगे सोइल लॉस इक्वेशन उसके अंदर के होता है, के का मतलब होता है इरोडिबिलिटी। इरोजिविटी क्या होती है कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, कैपेसिटी ऑफ एनी एजेंट, एजेंट हो सकता है वाटर हो सकता है विंड हो सकता है, एजेंट में क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है विंड हो सकता है, द कैपेसिटी ऑफ एनी एजेंट टू कॉज इरोजन, टू कॉज इरोजन, यानी कि किसी भी एजेंट की वो कैपेसिटी जिससे कि इरोजन को क्रिएट किया जा सकता है या फिर जो सोइल के इरोजन किया जा सकता है उसको बोलते हैं इरोजिविटी। जबकि इरोडिबिलिटी होती है सोइल की कैपेसिटी होती है, यानी ये होती है ससेप्टिबिलिटी, सोइल कितना ससेप्टिबल है किसी भी एजेंट से। तो ये क्या है, इट इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ सोइल, ससेप्टिबिलिटी, इट इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ सोइल टू इरोजन, यानी कि इरोजन होने से सोइल की क्या ससेप्टिबिलिटी है वो किसी भी एजेंट के लिए हो सकती है। ससेप्टिबिलिटी जब भी वर्ड आए तो वो होता है इरोडिबिलिटी, और वही कैपेसिटी की अगर बात आए तो वो होगा इरोजिविटी, वो क्या होगा, इरोजिविटी होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर सोइल मान लो स्टेबल एग्रीगेट्स हैं तो स्टेबल एग्रीगेट होने से क्या होगा, इरोजन कम होगा या ज़्यादा होगा, तो इरोजन कम हो जाएगा। यानी सोइल के अंदर स्टेबल एग्रीगेट जितने ज़्यादा होगा उतना ही इरोजन कम होगा, यानी जितने ज़्यादा स्टेबल एग्रीगेट्स होगा, स्टेबल एग्रीगेट से क्या काम होता है, सोइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखना, यानी आपस में जोड़ के रखना, उससे क्या होगा, स्टेबल पार्टिकल जितने ज़्यादा होगा उतना ही इरोजन कम होगा, उतना ही क्या होगा, इरोजन कम होगा, यानी जितने कम जो सोइल के एग्रीगेट्स स्टेबल एग्रीगेट है उतना ही ज़्यादा इरोजन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोइल के टाइप के आधार पर, अगर सोइल मान लो लाइट सोइल है और दूसरी है हैवी सोइल, तो ज़्यादा इरोजन किस में होगा, हैवी सोइल में ज़्यादा होगा या लाइट में होगा। लाइट सोइल में क्या होता है, मैक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं, मैक्रोपोर्स ज़्यादा होता है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होती है, जहाँ इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगी वहाँ इरोजन कम होता है। तो उस केस में क्या होगा, लाइट सोइल में इरोजन कम होता है, इरोजन विल बी लेस, इरोजन क्या होगा, लो होगा। और दूसरा क्या होता है, हैवी सोइल में क्या होता है, हैवी सोइल में मैक्रोपोर्स कम होता है उससे इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होती है, यानी रन ऑफ ज़्यादा होगा उससे इसमें इरोजन जो है हाई होगा, यानी हाई इरोजन, हाई इरोजन होगा। उसी तरह से अगर बात करें सोइल की कंडीशन कि सोइल अगर मॉइस्ट है, यानी सोइल अगर ड्राई है या मॉइस्ट है, उस केस में क्या होगा, अगर मान लो मॉइस्ट सोइल है उसमें इरोजन ज़्यादा होगा या ड्राई में ज़्यादा होगा। दूसरा हम बात करते हैं ड्राई सोइल, तो इरोजन ज़्यादा किस में होगा, मॉइस्ट सोइल है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है, यानी इन्फिल्ट्रेशन जो कम होगा, इन्फिल्ट्रेशन कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इरोजन विल बी हाई, यानी हाई इरोजन होगा। उसी तरह से अगर बात करें जो ड्राई सोइल, उसके अंदर सोइल ऑलरेडी ड्राई है, यानी मैक्रो और माइक्रोपोर्स है दोनों ही जो है वो खाली है, तो पहले क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा और मैक्रो और माइक्रोपोर्स भरे जाएंगे, उसके बाद जो है इरोजन होता है, तो इसमें ओवरऑल इरोजन क्या होगा, वो लो होगा एज कम्पेयर टू मॉइस्ट सोइल। तो ये था सोइल फैक्टर के बारे में कि सोइल के फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकता है, या मॉइस्ट सोइल में ज़्यादा होगा या फिर ड्राई में ज़्यादा होगा, उस तरह से लाइट में ज़्यादा होगा या हैवी सोइल में ज़्यादा होगा। तो ये था सोइल के फैक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट है, यानी कि जो वाटर इरोजन होता है ये क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सोइल लॉस इक्वेशंस। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर इरोजन,
हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर इरोजन। वाटर इरोजन से क्या क्या नुकसान हो सकता है? पहला पॉइंट है वो न्यूट्रेंट सोयल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। क्या होगा पहला? कि सोयल की फर्टिलिटी जो है कम होगा, क्योंकि सोयल के न्यूट्रेंट है, सोयल की फर्टिलिटी विल बी लेस। सेकेंड जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमने बताया था कि जो लगभग जो 5000 मेट्रिक टन पर हेक्टर जो है इंडिया में जो सोयल है वो लॉस होता है, उसके जो 10% है वो कहाँ होगा? रिजर्वर के अंदर जो है स्टोरेज होगा, यानी सिल्टिंग इन रिजर्वायर। ठीक है, कितना परसेंट होगा? लगभग 10% ऑफ टोटल सोयल इरोजन। जितनी टोटल सोयल इरोजन होगी उसका 10% है, यानी 10% है वो क्या होगा? वो सिल्टिंग हो जाएगी रिजर्वायर में, और इससे क्या होगा? इसकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो विल बी लेस। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट होता है कि इससे जो समुद्र के अंदर जो है लगभग 30% जाता है। उसके अलावा और बात करें इससे क्या होगा कि अनप्रोटेक्टिव सोयल ज़्यादा बनेगी। क्यों बनेगी? अनप्रोटेक्टिव सोयल ज़्यादा होगी। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड्स प्रोडक्टिव सोयल बिकम अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव सोयल होती है वो क्या हो जाती? अनप्रोडक्टिव बन जाती। क्या बन जाती? अनप्रोडक्टिव सोयल बन जाती है। ये था फैक्टर्स। उसके अलावा बात करते हैं, एक होता है लैंड फ्रेगमेंटेशन होता है। कौन सा होता है? लैंड फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा? क्योंकि हमने देखा था वाटर इरोजन, उसमें एक गली इरोजन होता है जो क्या करता है? लैंड का गली इरोजन की वजह से क्या होता है? लैंड फ्रेगमेंटेशन होगा, क्योंकि इसमें वाइड गली होती है, और वाइड गली क्या होती है? भूमि को तोड़ती है, इसमें चैनल बनते हैं, फरो बनते हैं। लैंड फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू गली इरोजन की वजह से जो लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता है वो एक मुख्य जो इसका जो ड्रॉबैक है, या इसकी कह सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर इरोजन। उसके अलावा हम बात करेंगे वो है कि जो वाटर टेबल है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। वाटर टेबल रिड्यूस्ड ड्यू टू वाटर इरोजन। ये था कि कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि सोयल जो यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन है वो क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन है वो कौन सी होती है, किसने दिया है ना? ये होता है यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन है ऑफ वाटर। वाटर की अलग होती है, विंड की अलग होती है, और इन जनरल अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वाटर और विंड का अलग से नाम नहीं दिया जाए तो आपको वाटर वाले सही करना है, और अगर नाम देके कहे कि वाटर की जो किसने दी है, जो विंड की किसने दी है, तो उस टाइम अलग अलग करना है, नहीं तो इन जनरल आएगा कि यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन है वो कौन सी है? यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन ड्यू टू वाटर। यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन ड्यू टू वाटर, यानी जो वाटर से लॉसेज होता है उसके जो क्या इक्वेशन है, ये जो है विस्मियर और स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? विस्मियर एंड स्मिथ ने दिया था यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन। किसने दिया था ये? गिवन बाय स्मिथ एंड विस्मियर ने दिया था यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन दिया था उन्होंने? उन्होंने दिया था कि ए अपॉन आर के एल एस सी पी। कौन सा इक्वेशन दिया था? ए इज द सोयल लॉस, ये हमेशा ही इसको इस टाइप से दिया था, ए इक्वल टू आर के एल एस सी पी। ए है, ए हमेशा ही, ए क्या है? इट इज सोयल लॉस। ए क्या है? ए रेफर्स टू सोयल लॉस, वेयर ए इक्वल टू सोयल लॉस, और ये होती है हमेशा ही, ये हमेशा एकर के अंदर होता है, टन पर एकर में हमेशा ही यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन है एकर में मेजर करते हैं, टन पर एकर पर ईयर। एक साल के अंदर निकालना है तो वन ईयर हो गया, वन मंथ होगा तो वन मंथ का हो जाएगा, तो यानी टन पर एकर पर ईयर हो गया।
इसको याद करने का तरीका ऐसे याद करिए, जो यूनिवर्सल सोइल लॉज इक्वेशन है ऐसे करिए कि राजस्थान के लाल जो है सुप्रीम कोर्ट पे, कैसे याद करेंगे इसको, राजस्थान के लाल सुप्रीम कोर्ट पर, राजस्थान के लाल सुप्रीम कोर्ट पे, राजस्थान मींस हो गया आर के लाल, लाल सुप्रीम मतलब एस, कोर्ट मतलब सी और पर मतलब पी, यानी राजस्थान के लाल सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट इस टाइप से लिखते हैं, इसलिए हो गया सी सुप्रीम, हो गया सुप्रीम पी मतलब पर, ये हो गया लाल के राजस्थान। तो इस टाइप से ये जो है ट्रिक है याद करने का तरीका, देखिए कि राजस्थान के लाल सुप्रीम कोर्ट पे, ये क्या है ट्रिक है याद करने का तरीका कि सो यूनिवर्सल सोइल लॉज इक्वेशन है वाटर की, उसको कैसे याद करेंगे कि राजस्थान के लाल सुप्रीम कोर्ट पे, यानी आर के एल एस सी पर, यहाँ ध्यान रखना एल एस है वो साथ में होता है, हमें याद करने के लिए इसको अलग अलग याद किया है, ठीक है। अब हम एक एक को बारी बारी से देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सबसे पहले लेते हैं आर, पहला कौन सा है लेते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है वो आर है। आर का मतलब क्या होता है इनका, यहाँ से यही लिख लेते एक बार, ए का मतलब हो गया सोइल लॉस, सोइल लॉस कितना होगा टन पर एकर पर ईयर हो गया। सेकंड हम बात करते हैं आर, आर क्या है, आर का मतलब होता है कि रन ऑफ या फिर रेनफॉल फैक्टर, क्या है रन ऑफ या रेनफॉल फैक्टर हो गया, रेनफॉल या फिर रन ऑफ फैक्टर, रन ऑफ फैक्टर है वो हो गया आर। के होगा सोइल इरिटेबिलिटी फैक्टर, मैंने पहले ही बताया था कि सोइल के इरिटेबिलिटी फैक्टर है उसको के से डिनोट करते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है कि सोइल के इरिटेबिलिटी फैक्टर है उस किसके डिनोट करेंगे सोइल लॉस इक्वेशन में, उसको करेंगे के से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सोइल इरिटेबिलिटी फैक्टर, सोइल इरिटेबिलिटी फैक्टर, सोइल इरिटेबिलिटी फैक्टर हो गया आर के। उसके बाद एल एस जो है ये हमेशा साथ में होता है, मैंने पहले ही बताया एल एस जो है साथ में होता है, एल एस को कैसे लिखेंगे, एल एस को लिखेंगे टोपोग्राफी फैक्टर, यानी लैंड इरोडेबिलिटी, एल एस हो गया टोपोग्राफी फैक्टर, कौन सा फैक्टर है टोपोग्राफी फैक्टर। अब आप कहेंगे कि जो टोपोग्राफी फैक्टर है तो इसको टी से भी लिख सकते थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एल एस इसलिए लिखा, एल का मतलब तो लेंथ और एस का मतलब स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, एल मतलब लेंथ ऑफ स्लोप, एल का मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है कि लेंथ, लेंथ ऑफ स्लोप होता है, वहीं अगर बात एस होता है उसका मतलब स्टीपनेस या फिर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, स्टीपनेस ऑफ स्लोप और लेंथ ऑफ स्लोप, ये हो गया एल एस का मीनिंग। नेक्स्ट हो गया सी, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब कवर फैक्टर, यानी वेजिटेशन कवर फैक्टर होता है उसको हम कहेंगे सी, या सोइल कवर या मैनेजमेंट फैक्टर भी बोलते हैं इसको, सी का मतलब कवर, यानी सोइल कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर, सोइल कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर हैं उसको हम लिखते हैं सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस सी, उस लास्ट में पी, पी का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया सोइल कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर, पी का मतलब होता है इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस, कौन सा है इरोजन कंट्रोल, यानी इरोजन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस, पी का मतलब होता है प्रैक्टिस, याद रखो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इरोजन कंट्रोल के लिए, तो पी का मतलब हो गया, पी मतलब हो गया इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस। ये था इक्वेशंस के बारे में। अब एक एक को बारी बारी से देखते हैं कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसको जो इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं सपोर्ट प्रैक्टिस फैक्टर भी बोलते हैं, नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं आर, यानी रेनफॉल फैक्टर या फिर आर फैक्टर या फिर रन ऑफ फैक्टर, पहला है रेनफॉल या रन ऑफ फैक्टर, रेनफॉल या इसको बोलेंगे रन ऑफ फैक्टर, इसमें क्या क्वेश्चन आता है, देखो पहली बात होती है इसमें वैल्यू पूछा जाता है, रन ऑफ फैक्टर है रेनफॉल फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो रन ऑफ और रेनफॉल फैक्टर को रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये एजेंट होता है, तो एजेंट की कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलेंगे इरोजिविटी कहेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर या फिर रेनफॉल इरोजन इंडेक्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज रेनफॉल
इरोजिविटी फैक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर भी कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, रेनफॉल इरोजन इंडेक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, रेनफॉल इरोजन इंडेक्स भी कहेंगे, रेनफॉल इरोजन इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है और रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये क्या करता है, जो इरोजिव इफेक्ट होता है उसको लेते हैं, यानी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा इरोजन होगा। ये हो गया आर फैक्टर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनफॉल है, इसके अंदर क्या होता है, जो रेनफॉल जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें लेते हैं कि रेनफॉल है उसका कितना अमाउंट है, उसका अमाउंट को हम कंसिडर करते हैं। सेकेंड जो फैक्टर है आर के बाद आता है के मिल सोइल इरेडिबिलिटी फैक्टर। सेकेंड क्या है, सोइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, मतलब सोइल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है इरोजन से उसी को बोलते हैं सोइल का इरोडिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोइल की इरोडिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू की अगर बात करें, पहले तो इसको मेजर कहाँ करते हैं, इसको मेजर करते हैं सोइल लॉस होता है कि 22 मीटर लंबे, इसको मेजर कहाँ करते हैं 22 मीटर लॉन्ग। स्लोप की बात करें 9% स्लोप होता है, 9% स्लोप 22 मीटर लॉन्ग जो कोई सरफेस है और 9% स्लोप है और वहां पे जो कंटिन्यूस फ्लो होता है अंडर फ्लो है, कंटिन्यूस जो है फ्लो वहां पे जो है इसको कंटिन्यूस फ्लो है वहां पे इसको मेजर करते हैं। तो वो हो गया सोइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, यानी कि जो 22 मीटर लॉन्ग 9% स्लोप एंड कंटिन्यूस जो फ्लो है या फैलो है वहां पे इसको मेजर करते हैं, कंटिन्यूस फैलो। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू 0 से लेकर के 0.6 तक होती है। इसकी वैल्यू कहां से होती है, के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, के के की वैल्यू है वो क्या होती है, 0.0 से लेकर के 0.6 तक होती है। कहां तक होती है, 0 से लेकर के 0.6 तक जो है के की वैल्यू होती है। 0.6 का मतलब क्या है और 0 का मतलब क्या है, देखो अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ इरोजन कम है, 0 या नियर 0 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नियर 0 कह सकते हैं, क्या कहेंगे, नियर 0 टू 0.6 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो नियर 0 कब होगा, ये उस केस में होगा जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई होगा। ये कहाँ पे होगा, वेयर इन्फिल्ट्रेशन, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो हाई होगा वहाँ पे जो 0 होगा। वहीं अगर बात करें 0.6 तो ये कहाँ पे होगा, ये बेयर सोइल के ऊपर का होगा, यानी कहाँ पे होगा, इट विल बी इन बेयर लैंड। कहाँ पे होगा 0.6, ये बेयर लैंड में होगा। बेयर सोइल या फिर ये कहेंगे कि जहां पे जो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो लो है, इन्फिल्ट्रेशन जो रेट है वहां पे बहुत ही कम है या फिर जहां पे इरोजन होने की ज्यादा कैपेसिटी है वहां पे होता है। ये हो गया नियर 0 से 0.6। ऑन एन एवरेज हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर ये कहेंगे जो मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन वाली सोइल होती है उसका कितना होता है, उसका होता है 0.2 से 0.3 होता है। जो मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन रेट वाली सोइल होता है, मान लो मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन जहाँ भी होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0.2 से लेकर के 0.3 होती है। वहीं अगर बात करें इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है लो होता है, यानी लो इन्फिल्ट्रेशन है तो वैल्यू है वो मोर देन 0.3, यानी 0.3 से लेकर के 0.6 तक इसकी वैल्यू होती है। ये है सोइल इरोडिबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड है, आर के बाद LS आता है। LS का मतलब होता है टोपोग्राफी फैक्टर। LS का मतलब क्या होता है, थर्ड टोपोग्राफी फैक्टर होता है। टोपोग्राफी फैक्टर इसको LS, यानी कि LS होता है, LS का मतलब होता है, LM हो गया लेंथ ऑफ द स्लोप, S हो गया स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, L क्या हो गया लेंथ ऑफ स्लोप और S हो गया स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। L क्या हो गया लेंथ ऑफ स्लोप, S हो गया स्टीपनेस ऑफ स्लोप, स्टीपनेस ऑफ स्लोप
मतलब ढलान का जो स्टीपनेस है कितना ग्रेडियंट है वो हो गया एस। अब टोपोग्राफी फैक्टर की बात जब भी आती है तो टोपोग्राफी फैक्टर जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी ऑल इन जनरल जो वैल्यू होती है 0.4 से 0.5 वैल्यू होती है। जो जनरल वैल्यू हम कंसिडर करते हैं वो होती है, जो कंसिडर करते हैं वो होती है 0.500, ये उसकी वैल्यू होती है इन जनरल कंसिडर्ड। इन जनरल ये हम कंसिडर करते हैं कंसिडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टोपोग्राफी फैक्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका मतलब होता है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, नॉमोग्राफ से इसको मेजर करते हैं, कैसे करते हैं, एलएस फैक्टर इज मेजर्ड बाई नॉमोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलएस फैक्टर मेजर्ड बाई, एलएस फैक्टर है किसे मेजर करेंगे, फैक्टर मेजर्ड बाई नॉमोग्राफ, किससे इसको मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करते हैं नॉमोग्राफ से, मेजर करते हैं किससे करते हैं नॉमोग्राफ, नॉमोग्राफ से इसको मेजर करते हैं एल एस फैक्टर को। वैल्यू उसकी होती है 0.400 से लेकर के 0.500 तक होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है इसकी वैल्यू याद रखना आपको, नेक्स्ट जो फैक्टर है फोर्थ आर के एल एस लाल, जो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट मतलब कवर फैक्टर, कवर का मतलब होता है सोइल कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर, सोइल कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर एंड मैनेजमेंट फैक्टर, उसमें क्या होगा इसको बोलेंगे सी, यानी सोइल कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर में क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत आता है कि जो सोइल है, सोइल अगर मान लो कल्टीवेटेड है तो हाईएस्ट वैल्यू होगी, और वहीं अगर ग्रासेस हैं तो इसकी लोएस्ट वैल्यू होगी, क्या होगी लोएस्ट वैल्यू होगी, यानी जितना ही ज़्यादा रेजिडी होगा इसकी वैल्यू है वो 0.1 से 1 तक जो लाइज होती है इसकी वैल्यू होती है, वो रेंज क्या है इसकी वो 0.1 टू 1.0 इसकी वैल्यू होती है। 0.1 कब होगा, जब हमें कल्टीवेटेड फील्ड है, कब है ये, कब होगा कल्टीवेटेड फील्ड है, यानी जहाँ पर इरोजन ज़्यादा होता है, कल्टीवेटेड लैंड है, और ये 1 कब होगा जहाँ पे रेजिड्यू है, कहाँ पे, जहाँ पे क्रॉप के अंदर फुली रेजिड्यू है, यानी कि जो है रेजिड्यू है, यानी कि क्या होगा मिनिमम इरोजन होगा, क्या होता है यहाँ पे मिनिमम इरोजन होता है, तो जितना ज़्यादा कम इरोजन होगा उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। वहीं बात करें कल्टीवेटेड लैंड की, अगर बात करें तो कल्टीवेटेड लैंड जो है, यानी जितने ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा इरोजन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा इरोजन होगा, तो जो कल्टीवेटेड लैंड उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.0 होगी। वहीं अगर बात करें रेजिड्यू, जहाँ पे मिनिमम इरोजन होगा, ये किसका होगा, ये होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 हो जाएगी, क्या होगी 0.1 हो जाएगी, यानी रेजिड्यू होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, यानी जितना ज़्यादा क्रॉप रेजिड्यू होगा उतनी कम वैल्यू होगी, यानी उतना ही कम इरोजन होगा, और जितना ज़्यादा वैल्यू होगी इसका मतलब है उसके लैंड है उसके ऊपर रेजिड्यू उतना ही कम होगा और उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा इरोजन होगा। इसको ये भी बोल सकते हैं फैलो भी बोल सकते हैं कल्टीवेटेड लैंड, या भी ये कह सकते हैं फैलो लैंड बोल सकते हैं फैलो लैंड, या फिर नो रेजिड्यू लैंड, नो रेजिड्यू इसको लैंड भी कहते हैं। तो ये हो गया सोइल का कवर फैक्टर। उसके अलावा नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग, जो कोई भी बेयर सोइल है उसकी कितना होता है, तो बेयर सोइल का 1 होता है, मान लो नो रेजिड्यू सोइल है, फैलो लैंड है, बेयर सोइल है, इन सभी का कितना होता है, इन सभी का होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। ये हो गया सोइल कवर फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी, पी का मतलब होता है इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस, कौन सा है इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस। फिफ्थ जो फैक्टर है इरोजन कंट्रोल, पी का मतलब होता है प्रैक्टिस, इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस, इसमें क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इरोजन प्रैक्टिस जो कंट्रोल प्रैक्टिस है उस किस नाम से जाना जाता है, इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस को सपोर्ट प्रैक्टिस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस इज ऑल्सो नॉन एज सपोर्ट, ऑल्सो नॉन एज सपोर्ट प्रैक्टिस फैक्टर, क्या कहते हैं इसको सपोर्ट प्रैक्टिस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सपोर्ट प्रैक्टिस फैक्टर से भी, सपोर्ट प्रैक्टिस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, या सपोर्ट जो फैक्टर प्रैक्टिस भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 1 तक होती है, कितनी होती है 0 से लेकर के इसकी वैल्यू 1 तक होती है, इसकी रेंज है वैल्यू की
वो होती है, अगर मान लो वैल्यू अगर 0.5 है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, और 1 है तो क्या कहेंगे, 1 का मतलब यानी जितनी ज़्यादा जो पी की वैल्यू होती है यानी उतना ही ज़्यादा वहाँ क्या होगा, इरोजन होगा, यानी नो कंजर्वेशन मेजर। अगर वैल्यू 1 है इसका मतलब नो कंजर्वेशन मेजर यानी कोई कंजर्वेशन के मेजर नहीं है। वहीं अगर बात करें कि वैल्यू 0.5 है इसका मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन मेजर्स हैं, कंजर्वेशन के मेजर्स जो है फॉलो किए गए हैं, और कंजर्वेशन मेजर्स का मतलब ये होता है कि वहाँ पे इरोजन क्या होगा, लेस इरोजन क्या हो जाएगा, लेस इरोजन होगा। वहीं अगर बात करें कि जो नो कंजर्वेशन के अंदर क्या होगा, मोर इरोजन होगा, क्या होगा, मोर इरोजन होगा। तो इसकी वैल्यू जो है 0.5 या 1.0 जो है पी फैक्टर की वैल्यू होती है इन जनरल। तो ये था सोयल यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन के बारे में। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सोयल इरोजन होता है वाटर के द्वारा उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो लैंड जो कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लैंड को यूज़ करें, या फिर इसका हम प्रिवेंटिव मेजर होता है, जैसे मान लो एग्रोनॉमिक हो गया, मैकेनिकल हो गया, एग्रोस्टोलॉजिकल हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सारे के सारे मेजर हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।